हम बहुत खुश हैं इस बात में कि मियाँ साहब को उन्होंने राय बधाई दी है। इसके अलावा मियाँ साहब को नजायज तौर पर फंसाया जा रहा है क्योंकि मियाँ साहब के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई, रिहाई हुई उनकी। इसके लिहाज से हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारा लीडर बेगुनाह साबित हुआ है और इंशाल्लाह ये बाइस बरी भी होंगे। ये 6-7 माह हो गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर सवाल करूँ तो क्या कहें? बात दरअसल की यही है कि हमें किसी लीडर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इस आवाम रही है, हुकूमत चेंज होती है, आवाम के ऊपर नया बोझ आ जाता है, महंगाई पर महंगाई हो रही है, हर चीज़ पर महंगाई में महंगाई हो रही है, एंड दूसरी हुकूमत पर बोझ डालते हैं कि जी पुराना हुकूमत का मसला था उसकी वजह से हम बोझ में आ गए। पुराना इससे पहले जब ये हुकूमत में नहीं होते तो ये बोझ होते हैं कि जी हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। जब ये अकबर से गुजार आ जाए तो फिर कहते हैं जी हम यूँ हो गया, हमें पुरानी सलाह मिल रही है, पुरानों के बीच बोए हुए वो काटने पड़ रहे हैं, पुराना पड़ रहे हैं। जब तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा है कि सियासत में किस लिए आ रहे हैं आप लोग, आप क्यों वो चीज संभाल रहे जब पीछे से ही जागी है? ये तो जाति वाली बात है। अब आपको आपने आकर तो काफी सारे इकदाम किए जिसमें आपने देखा कि उन्होंने मुहिम चलाई कफाई शायरी की, जहाँ अपने तमाम जितने भी MNAs और मिनिस्टर्स हैं उनको भी ये कहा गया कि जितना भी हो सके जो अखराजात हैं जो कौम के टैक्स का पैसा है उसको बचाया जाए। आप मुझे बात बताएं 4.5 साल में कुछ बेहतरी आ जाए अभी मुझे आप मुझे बात बताएं, जब से ये आए हैं 6 महीने से जो बात करते हैं उसके बाद करते ही यू टर्न, जो बात करते हैं इनसे करते यू टर्न। मुझे बताएं ये किस टाइम बेहतरी लाएंगे, जब आवाम मर जाएगी, गरीब आवाम नहीं रहेगी? मुझे बताएं गरीब आवाम क्या चाहती है? यही चाहती है रिलीफ की, सस्ताई और चीज। इनके आने से हर चीज महंगी हो गई, कौन सी चीज ऐसी जो महंगी नहीं हुई? मुझे बता दें कि बताएं कि फलाना चीज पे इनके आने से मसला हल हो गया। आवाम नहीं देखती कि ये कौन से मसले पर निबेड़ रहे हैं, किस मुल्क से मिल रहे हैं, किससे अंदाज ले रहे हैं। आवाम ये देख रही है कि हर चीज पर रेट बढ़ गया, कौन सी चीज है जिस पर रेट नहीं बढ़ा? ये कहते थे पुराने बीज, पुराने वाले तो मेरे अच्छा रेट चला रहे थे, उन्होंने तो आके नरमी की है। जरदारी की हुकूमत थी, जरदारी के बाद जब ये आए मियाँ बिरादरान, इन्होंने आके रेट कम नहीं किया, इनकी हर चीज में शुरुआत में रेट में कमी आई। हर आवाम मियाँ मियाँ करने लगे, मियाँ हमें कोई खाने को रोटी दे रहा है, मियाँ हमें कोई रोटी गर्मी पे खाने को, मियाँ कोई हमारे को आके घर नाम नहीं कर रहा हमारे, जो हम मियाँ को मियाँ मियाँ कह रहे हैं। हमें मतलब उनके टेन्योर में जो बेहतरी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हमारे लिए कर रहे थे, वो जो कर रहे थे आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे थे। नाज़रीन आपने बात सुनी कि उनका कहना था कि जो पिछला मियाँ नवाज शरीफ का टेन्योर था वो ज्यादा बेहतर था, जो आप पाकिस्तान को हुकूमत को तकरीबन 6 से 7 माह हो गए, इससे बेहतर तो वो 5 साल थे, ये तो हुकूमत वही पुराना लॉलीपॉप आवाम को दे रहे हैं कि जो कर्जे जो चढ़े हैं ये तो सबका जो हुकूमतें हैं उनके रिकॉर्ड के, हमारे रिकॉर्ड तो उसमें मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज मियाँ शहबाज शरीफ की बेल कन्फर्म होगी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से बेल तो कन्फर्म होगी, अभी केस तो खत्म नहीं हुए, जब ये केस का रिजल्ट आउट होगा उसके बाद इनका पता चलेगा कि यह है। आप क्या कहते हैं, खुशाइंद है उनका आना या क्या क्या खुशाइंद नहीं? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी हो और इमरान खान ये बेहतरी लेके आ रहे हैं, ये वक्त लगेगा। करप्शन के खिलाफ जो PTI की आवाज़ है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बेहतर है, लोग कहते हैं कि जुम्मा 8 दिन में सब कुछ हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 6 हफ्ते किसी मसले का कोई हल हुआ? एक वक्त लगता है। इन्होंने 30 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पीपल्स पार्टी नून लीग, वो अब ये कहते हैं जी 6 महीने में इसका रिजल्ट आउट हो जाए, वो कैसे हो सकता है? मुझे आप एक बात बताएं, 34 अरब डॉलर लिए इन्होंने 12 सालों में, वो 34 अरब डॉलर कहाँ है मुझे बताएं? ये लोग वो कर्जा हमारे ऊपर ही आया, हमने अदा करना है। अगर कहते हैं जी इमरान खान भीख मांग रहा है, मुझे आप एक बात बताएं, आपके घर के ऊपर क्राइसिस आ जाए, आपका वालिद बाहर जाए किसी से पैसे लेके और अपना घर चलाए, तो वो उसे किसके लिए किया? आपके लिए किया या मेरे लिए किया? वो आपके घर के लिए कर रहा है, इमरान खान अपने घर के लिए कर रहा है, ये उसका मुल्क है, वो यही उसने यही उसका जीना मरना यही है, इनकी तो औलादें बाहर बैठी हुई हैं, पैसा खा के माँ मर के बेटे जनाजे पे नहीं आते ना, डर के मारे नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आपकी और मेरी माँ मर जाए हम गिरफ्तारी के खौफ से रुकेंगे? हम कहेंगे जी अंदर डाल दो हम आ रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये सिर्फ पैसे के दोस्त हैं, सिर्फ पैसा खाने वाले लोग हैं। बर्बाद कर दिए इन्होंने यहाँ की आवाम को, लोगों को आज कर्जे हो गए हैं, ये हो गया जी वो हो गया है। मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? इमरान खान ने किया? क्या इमरान खान पहले सियासत में था या पहले इमरान खान ने हुकूमत की है? या इमरान खान पहले असम्बली में आया जी मैं वजीर रहा हूँ, मैंने इस मुल्क मैं भी इनके साथ खाने में, वो तो पहली दफा आ रहे हैं, उसको आजमाओ। इनको 30 साल दिए, उसको 5 साल तो दो, 5 साल के बाद उसका रिजल्ट का उत्तर, ये गलत है।
फिर उसके साथ जो मर्जी करो, फिर हम भी साथ होंगे। भाई की नुक्ता नजर से आपने इत्तेफाक नहीं करते छह महीने में लोड शेडिंग, एक साल में लोड शेडिंग, तीन साल में लोड शेडिंग, पांच साल में लोड शेडिंग, कहाँ गई लोड शेडिंग? बिजली खत्म हुई, लोड शेडिंग नहीं खत्म हुई, लोड शेडिंग भी खत्म हुई और उसके अलावा मुझे बेहतरी भी आया कि किसे बनाया, इन्होंने बनाया। आज तकिया लग रही है जगह जगह पर, वो उनके प्लान चले हुए थे, उनके प्रोजेक्ट चले हुए थे, नाम किसका कहते हैं हमने जो बात करनी है, हमने खराब नहीं मांगनी, हम गर्दन कटवा देंगे, गर्दन कटवा देंगे, आज के वो खड़ी सामने से पूछो कि क्या बुरा हाल है, अब ये बताते हैं कि कर्जा कर्जा कोई कर्जा हमने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, कर्जा चला आ रहा है, बात ये पॉलिसी को बेहतर करने के लिए हम किसी की आगे यूनियन करेंगे। बात बात सुनने की यही है, जो बात आप कहने से मतलब आप झूठ के बारे में बोल रहे हैं, मुझे आपको बाबा बोल रहे ये तो उनका वैलिड है कि आप मुझे एक बात बताए, मैं आपके कसूर के इसका जवाब सवाल देता हूँ सादा सदा जी। आपका वालिद बाहर काम करता है, जो पहले पूरी बात तो करने दे, आपका वालिद बाहर काम करता है, ये होगी वो रिटायर्ड होके या वैसे घर आता है और घर आके उसको पता है, आप इस बात का तो उनका जवाब देंगे, मेरा जवाब मैं रीजनेबल जवाब दे रहा हूँ। घर आते वो कहता है जी हाँ जी मैंने जो इस मुल्क के अंदर पैसा भेजा जो आया है आपने लिया है वहाँ से मैंने कमा के दिया, जो कर्जा लिया जो मैंने वहाँ से बेहतर है, वो कहता कुछ भी नहीं है यार। तो उनके औलाद ने खर्चा किया, आज उसी औलाद पढ़ लिख कर आज इंजीनियर, आज को छोड़ रहे इंजीनियर पुराना पायलट पुराना कैप्टन बने हुए, वो लॉ पहले मुझे छोटी सी बात बता ले आप कि इन्होंने कहा जी खुदकशी कर लेंगे, हम पशकोल तोड़ देंगे हर तकरीर में, हर तकरीर में, इस तरह से हमारे साथ वजीर आजम ये बात तो हमारे लोग नहीं 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 वो छह महीने में बच्चा पैदा करते, ये कहते जी छह महीने में इस मुल्क का रिजल्ट कैसे दूर जाएंगे भाई, के अंदर अभी तक छह महीने में हर बंदा परेशान से परेशान हो गया, इस बात को नहीं देख रहे लोग। मुझे एक बात करेंगे वो वाली 48,000 रुपए तोला तो सोना, आज 68,000 रुपए तोला हो गया, अमीर आदमी के लिए हुआ, गरीब आदमी के लिए मसला बना, ये तो लाल आदमी जो बात कर रहे हैं आपसे, सरकार ही जो बात कर रहे हैं, इनके लिए तो मसले सीधे हो गए, गरीब आदमी से पूछे क्या मसले बने, इनसे पूछे आप कि क्या हो रहा है मसले मसाई। नाज़रीन आपने बात सुनी, दो मुख्तलिफ व्यूज थे यहाँ पे मौजूद, मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, इनसे पूछे वो क्या कहते हैं, ये फरमाइएगा, अभी आप बात सुन रहे थे भाई की, सबसे पहले तो ये 6-7 माह हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, क्या कारोबार की पोजीशन कैसी है, कैसा लग रहा है आपको? कारोबार है ही नहीं जी, क्या बताएं कैसा लग रहा है, खत्म हो गए कारोबार, खत्म हो गया कारोबार इसमें, बिल्कुल परेशान है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, कोई समझ से बाहर है, आज जो बेल हो गई है हाईकोर्ट से, अच्छा एकदम, ये अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई आवाम की तरफ इनकी सोच ही नहीं है, क्या हो रहा है आज जब शाहजी इनसे पूछे, जब इनसे पूछे ये करप्शन या वो करप्शन का पैसा जो आया वो कोई अवाम में बटेगा, कोई अवाम में मिलेगा, जब मोदी सरकार इन लोगों को मंजूर नहीं है, हम करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम फलानों को यूं नहीं करेंगे, जो इनका वजीर है वो एक छोटे पे तनकीद के अलावा कुछ नहीं करता, अभी तक किसी वजीर आजम ने किसी वजीर ने कहा बात यह कोई वजीर किसी अभी अवामी मेले में कहीं किसी अवाम में गरीब अवाम में खड़ा आके बोला किसी के मसले मसाइल किसी के पास पहुंचा, आज तक मुल्तान पाकिस्तान के किसी शहर में कोई वजीर भी किसी अवामी अवामी अदालत नहीं लगाई कि अवाम में बैठा हूँ क्या बताओ भाई हमारे मसाइल क्या है मसले क्या है, MLA MPS जब से बने हैं उसके बाद दोबारा अपने हल्के में नहीं है, आज ये लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बेहतरी आ रही है, सुनी गैस के बिल
क्या कहेंगे 6-7 माह हो गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत क्या कहेंगे कि 3 महीने हो गए कारोबार नहीं है। मैं प्लम्बर हूँ, किसी दूसरे के पास काम पे जाता हूँ, वो कहते हैं काम नहीं है। 3 महीने से इतने परेशान है, बिल्कुल कारोबार ही नहीं है। एक ऐसा वक्त था हमारे पास काम खत्म नहीं होते थे, 400 से बिल हमारा ऊपर नहीं आता था, 1980 रुपए बिल भरा मैंने गैस का, बिजली को छोड़े गैस का बिल, गैस आती नहीं है, बिल आ रहे हैं, मीटर चल रहे हैं, ऐसे कोई पता नहीं है। इतने हालात खराब हो गए हैं। शहबाज शरीफ की जमानत हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं, हम बस हुकूमत है, हम तो गरीब बंदे हैं, हम क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत हमें आप लड़ रहे हैं, हमें तो 6-7 माह हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत, ठीक है ना। आज तकरीबन 1 महीना हो गया है, 9 तारीख से लेके आज तक, आज तीसरी दिहाड़ी हम लगा रही है, पूरा महीना घर बैठे रहे। नारी ये फरमाइएगा कि 7 माह हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को, क्या बेहतरी? बिल्कुल बेहतरी है, पीटीआई की हुकूमत सर जो काम करे वो 70 साल का गंद है, वो एक ही दिन में हल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसके लिए वक्त लगेगा। और वक्त के लिए इमरान खान अकेला सब पे भारी, और उस्मान बाजार भी सही करे, वो क्यों क्या जेंट नहीं? उस्मान बाजार बहुत गुड बंदा है, सादा बंदा है, साउथ पंजाब के, हमें हमारी दुआएं उसके साथ हैं, और वो काम कर रहा है, और काम करने के लिए टाइम लगता है यार। ये आप एक अपने घर को सुधारने के लिए कहते कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, तो उसे सही करने के लिए टाइम लेते हैं, तो एक हुकूमत को आप टाइम दो, और टफ टाइम है उनके लिए, अपोजिशन भी ब्लैकमेल करती है। ये क्या है, सरदारी कौन है, नवाज शरीफ कौन है, क्या ये सबको नहीं पता कि इमरान खान का बैकग्राउंड क्या है? इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान करप्ट नहीं है, उसके दुश्मन भी कहते हैं कि इमरान खान फेयर आदमी है, और फेयर आदमी को एक वक्त चाहिए, और वो वक्त हम आवाम हम देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, साउथ पंजाब वाले उसके साथ हैं, पीटीए के साथ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पीटीए को वोट देंगे, हमारी दुआ है।